ना कोई बिचौलिया ना दलाल, बटन दबाते ही किसान के खाते में पहुंचे 2000। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पत्रकारों के सवाल पर कन्नी काटते दिखे केंद्रीय कृषि मंत्री। शहर में लीड बैंक के द्वारा आयोजित DICGC क्लैम वितरण के वेबकास्ट कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर शामिल हुए, जिन्होंने हितग्राहियों को संबोधित किया। इसके पूर्व कार्यक्रम में सभी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाइव प्रसारण को सुना। इस कार्यक्रम में शहर के एक स्थानीय गार्डन में आयोजित किया गया था। इसमें हितग्राहियों के साथ भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे, पुलिस प्रशासन मौजूद था। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा गया कि ना कोई बिचौलिया है ना दलाल है, आज हम सब दावे के साथ कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बटन दबाकर एक किसान के खाते में एक किश्त 2000 रुपए की भेजते हैं तो पूरे 2000 किसान के खाते में पहुंचते हैं। उन्होंने कहा कि वर्षों से वांछित थे, शोषित थे, पीड़ित थे, इनके बारे में प्राथमिकता के साथ सरकार में विचार नहीं होता था, उनके बारे में विचार भी किया और अनेक निर्णय भी लिए। हम सब इस बात को जानते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी योजना जिसमें 11.5 करोड़ किसान शामिल हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर ने कहा कि आज हम सब भली भांति ये जानते हैं। आज महेंद्र सिंह हमारे ग्रामीण विकास मंत्री हैं। 2003 में जब मध्य प्रदेश की सरकार बदली थी तो विभाग में मेरे पास हुआ करता था। उस समय गांव में एक वांछित व्यक्ति को आवाज देने की बात सोचते थे तो ऐसा लगता था वो कभी दिन नहीं आएगा। मुझे ध्यान है 2009 में जब मैं संसद में पहुंचा तो विपक्षी सांसद होने के नाते अनुदान मांगों पर चर्चा होती थी तो मैं पीएम से ये पूछता था कि सरकार को वो दिन निश्चित करना चाहिए जब भारत सरकार ये कह सके कि मेरे देश में रहने वाले हर गरीब व्यक्ति को छत का इंतजाम हो गया है। केंद्रीय मंत्री ने इस दौरान पत्रकारों से बातचीत की और वो पत्रकारों के सवाल का गोलमाल जवाब देते हुए नजर आए। लंबे समय से किसान आंदोलन और अराजकता के माहौल को लेकर तीनों कृषि कानून वापस ले लिए गए हैं। प्रधानमंत्री ने किसानों का मान रखते हुए निर्णय लिया है। खाद के मुद्दे पर सिंधिया कह रहे हैं कि खाद उपलब्ध कराया जा रहा है, वहीं सांसद में सदन में मुद्दा उठा रहे हैं कि तीनों जिलों में खाद नहीं मिल रहा। इस पर उन्होंने कहा कि सांसद का अपने क्षेत्र में किसी भी समस्या को सदन में रखने का अधिकार है, दायित्व है। वहीं जहां तक फर्टिलाइजर का सवाल है तो भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों ने मिलकर जिले में खाद उपलब्ध करा रही है। कोविड से भी उभरता जा रहा है, इस कारण कोई भी परिवार में परेशानी नहीं होगी। खाद वितरण मिल रहा है, यहाँ पे मंगाया जा रहा है, केपी यादव सदन में मुद्दा उठा रहा है, खाद नहीं मिल रहा तीन जिलों में। देखिए, सांसद का अपने क्षेत्र की किसी भी समस्या को सदन में रखने का अधिकार है, उनको अपने दायित्व की पूर्ति करते रहना चाहिए। जहाँ तक फर्टिलाइजर का सवाल है, फर्टिलाइजर की पूर्ति भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर सभी जिलों में कर रही है। अभी देश कोविड से उभरता जा रहा है, इसके कारण कभी कभी परिवार में कोई परेशानियां रहती हैं, इसलिए वो चिंता की बात नहीं है, लेकिन सभी को फर्टिलाइजर की आपूर्ति हो। यस, किसान यूनियन के नेताओं से 7.5 साल से संपर्क में हूँ। आज सुबह नहीं कहा कि हर चीज का एक प्रश्न नहीं, और इस दृष्टि से आप लोगों को समझता हूँ कि फारूक अब्दुल्ला साहब सीनियर लीडर है, उनको बात रखते समय संयम बरतना चाहिए और देश का ध्यान रखना। इतना डिले क्यों हुआ?